सो हेलो एवरीवन, ये है स्टर्लिंग टूल्स के क्वार्टर टू के रिजल्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शेयर के रिजल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है अराउंड वो 15,468 लाख थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 15,535 लाख यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज हुई है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस की। ईयरली बेसिस में एक्सपेंस जो है 13,875 लाख थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 14,256 लाख यहाँ पर हो गया है। यानी इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयरली बेसिस में जो है 1,721 लाख थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 995 लाख यहाँ पर हो गई है। आगे हमें शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। तो आगे हमें जो शेयर का अर्निंग पर शेयर है यहाँ पर 4.78 रुपये देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में अब जो है यहाँ पर 2.76 रुपये के राउंड यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद यहाँ पर देखें शेयर के रिजल्ट जो है इतने कुछ खास भी मतलब ठीक है यहाँ पर, लेकिन बाकी सारे नंबर्स तो यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। मैक्सिमम टारगेट 365 रहने वाला है। होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर कैसे रहेंगे।